आज हमारे अर्जिल अजीज रुकनी असेंबली कारवान कौसर मोहिद्दीन साहब की सरपरस्ती में आज अल्लूर सीताराम राजू नगर साई नगर हीरा नगर मुगल नगर ए में पैदल दौरा हुआ है। तो आज पैदल दौरे में सभी लोगों से मुलाकात कैंडिडेट को लेकर घर घर गए हैं और हर जगह भी MIM पार्टी का बहुत जोश और खरोश से आगे आ रहे हैं लोगों का यही है कि डेवलपमेंट को देख के वोट डालते हैं। तो डेवलपमेंट हमारे अर्जिल अजीज रुकनी कारवान साहब ने अब तक कम से कम करोड़ों के रुपए लागत से डेवलपमेंट हुआ है। CC रोड हो, वाटर पाइप लाइन हो, ड्रेनेज लाइन हो या स्ट्रीट लाइट्स हो, हर चीज़ की CC रोड्स और VDC रोड्स भी बहुत जगह बस्तियों में डाले हैं। हमें पूरा भरोसा है हमारे अर्जिल अजीज बैरिस्टर साहब ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में हम पूरे यहाँ पर कार्बन डिवीज़न के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे बहुत अक्सर से हम जीतने वाले हैं, क्योंकि अवाम की दुआएं MIM पार्टी के साथ है। क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों में एक डेवलपमेंट खास चीज़ है, क्योंकि जहां पर पोल्यूशन हो रहा है, जहां पर पीने के पानी का जो मुश्किलात है और रोड्स का जो भी तामीर का सब जगह भी रोडों को देख कर हमारे MLA साहब के काम कारनामे पर बहुत सारे या हिंदू हो, दलित हो, मुस्लिम हो, पूरे लोग वोट डालने के लिए आगे आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 1 तारीख के दिन दिसंबर हम यही चाह रहे हैं कि पूरे घरों से कम 80% वोट पोलिंग हमारे डिवीज़न में हो। हम यही चाह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के अंदर दलितों में हिंदुओं में भी पूरे लोग भी आगे आकर MIM पार्टी को जिताने के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि कल ही हमारे MLA साहब के सरपर से मेतर समाज के लोग भी आंध्र तेलंगाना का सदर और हैदराबाद के सदर आकर हमारे MIM पार्टी में शामिल हुए हैं। यही हमारे को एक अच्छा संदेश है। हम यही उम्मीद रख रहे हैं दलित भाइयों ने भी पूरे आगे आकर, और दलित भाई वोटों के इस बार बहुत सारे वोट MIM पार्टी को खड़े रहेंगे। और BJP से हमारा जो भी मुकाबला है, हमारे सामने BJP कुछ भी नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला बराबर MIM पार्टी हम जीत के बताएंगे। धन्यवाद।